आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों को पर्दाफाश करूंगा। मोदी जी की ताकत को आप नहीं जानते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज, मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। जिस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, जहां एक तरफ जनता अच्छे दिन सोच रही कि आएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी की नेता या विधायक अगर बात कर ली जाए, वो दूसरे पार्टी के विधायक को खरीदने की बात कर रहे हैं, दूसरे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर विधायक नहीं बिक रहे तो उनको कार्रवाई की धमकी दी जा रही। कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई की जांच बैठाल देंगे अगर हमारी पार्टी में नहीं आए तो। दरअसल ये इल्ज़ाम आम आदमी पार्टी ने लगाया है। मेरे पास आप देख सकते हैं दो पेपर हैं, जिसमें एक में ये कहा गया है कि 20 से 25 करोड़ में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है। ये आम आदमी पार्टी का कहना है, संजय सिंह ने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दूसरे न्यूज़ में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जहां पे 27 ठिकानों पे लगातार ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसलिए क्योंकि गठबंधन 2.0 बिहार में बन गया, इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार मिल गए और बीजेपी का साथ छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं, या तो बीजेपी पार्टी में जाए विधायक, या तो बीजेपी से हाथ मिलाए, वरना उसके ऊपर कार्रवाई होगी। दरअसल संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहां पे उन्होंने उन चार विधायकों को बुलाया जिनको बीजेपी ने ऑफर दिया था, और ऑफर ना मानने पे ये धमकी दी थी कि अगर आप हमारी पार्टी में नहीं आते तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, अभी हाल ही में दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, उनके ऊपर भी पहले ईडी और सीबीआई की जांच बैठा ली गई थी। इसके साथ ही उनको मैसेज आए थे, कहा गया था कि आम आदमी पार्टी तोड़ के बीजेपी में शामिल हो जाओ तो ठीक है, वरना फिर हम आपके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपने स्टाइल में जवाब दिया था। हाल ही में अब संजय सिंह ने, जो प्रवक्ता बताए जाते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे अच्छे प्रवक्ता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि 25 करोड़ तक का ऑफर दिया गया है आम आदमी पार्टी के विधायकों को कि आपकी सरकार दिल्ली में गिरा दो, क्योंकि विधायक सारे आम आदमी पार्टी के अगर बीजेपी में आ जाते तो आम आदमी पार्टी की सरकार वैसे ही टूट जाएगी। जहां एक तरफ जनता लगातार अपने मन की सरकार बनाना चाहती, वो किसी भी राज्य की हो, उसका हक है कि वो अपनी मनपसंद पार्टी को वोट दे और उसको जिता सके, दूसरी तरफ ये सरकार विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही। किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा अगर एक इल्ज़ाम लगा रहा तो शायद वो इल्ज़ाम हो सकता है, लेकिन लगातार हर पार्टी अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम, एक ही इल्ज़ाम लगा रही है ईडी और सीबीआई की, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ तो दम होगा, उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। जिस तरीके से बिहार के नेता आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, महाराष्ट्र में भी यही इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा, दिल्ली में भी यही लग रहा है, अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं वहां पे भी यही सेम इल्ज़ाम बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, यानी कि बीजेपी में जो केंद्र सरकार है वो गलत इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि जब विधायक बिक जाते हैं तो उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही होती है वो रुक जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चार विधायक थे संजय सिंह के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, संजय सिंह ने जहां सबको बोलने का मौका दिया और सबने बताया कि किस तरीके से पहले उनको ऑफर दिया गया, कहा गया कि आप बीजेपी पार्टी में आ जाइए, अगर आप शामिल नहीं होते बीजेपी पार्टी में तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया आपके लिए तैयार है, जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे पहुंच जाएगा। अब चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। हम उससे संपर्क करके उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई, अब तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है और हमारी भी इस मुहिम में ड्यूटी लगाई गई है कुछ साथियों की, तो आपके पास मैं आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे, और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई, जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है
ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। ये चार विधायक थे जो संजय सिंह के साथ मौजूद थे, जहां संजय सिंह ने लगातार एक के बाद एक बीजेपी पर धावा बोला, साथ ही साथ ये इल्जाम लगाया कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी कहा कि हमारे विधायक बिकने वाले नहीं है, हम बिकने वाली पार्टी नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है इसको लेके, मुझे तोड़ने में फेल हो गए तो अब आपके अन्य विधायकों को 20-20 करोड़ का ऑफर देकर रेट का डर दिखाकर उन्हें तोड़ने की साजिश शुरू कर दी, बीजेपी संभल जाए, ये अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, भगत सिंह के अनुयायी हैं, जान दे देंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे, इनके सामने आपकी ईडी सीबीआई किसी काम की नहीं। तो आपने सुना मनीष सिसोदिया ने किस तरीके से जवाब दिया कि उन्हें पहले खरीदने की कोशिश की गई, उनके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच बैठा ली गई, जब वो नहीं बिके, जब उनको तोड़ नहीं पाई सरकार, उसके बाद अन्य विधायकों को खरीदा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के विधायक ने जो ऑफर दे रहा था इन चार विधायकों को, उसने ये भी कहा है कि बाकी भी विधायक बीजेपी से संपर्क में यानी कि टच में, अब उन्हें भी खरीदने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही। फिलहाल मैं अब आपका ध्यान बिहार में ले जाना चाहूंगा। बिहार में जैसे ही गठबंधन 2.0 की सरकार बनी थी, उसके बाद ये कहा जा रहा था तेजस्वी यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब यहां पे भी ईडी और सीबीआई की जांच शुरू हो गई तो आप क्या करेंगे, तो तेजस्वी यादव ने कहा था हंस के कि अगर ईडी और सीबीआई आना चाहते तो उनका बिहार में स्वागत है, ऑफिस बनाएं और जांच करना शुरू करें, हम डरने वाले नहीं है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 27 जगहों पर लगातार छापेमारी की गई है, सीबीआई की तरफ से बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को लेकर दिल्ली, पटना और गुरुग्राम में छापेमारी चालू है। आप समझ सकते हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी के ऊपर सीबीआई और ईडी लगातार लगी हुई, दूसरी तरफ बिहार में जो नई सरकार बनी है उसके पीछे भी ईडी और सीबीआई पड़ गई है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक बार फिर, महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, टीएमसी में भी यही हुआ था, तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, काम कर रही, क्या किसी के कहने पे काम कर रही, क्या किसी के इशारे पे काम कर रही, क्योंकि सिर्फ अन्य पार्टियों पर ही क्यों सीबीआई और ईडी एक्टिव होती है, क्यों बीजेपी के किसी एक भी नेता के घर पे ईडी और सीबीआई जाते हुए नहीं दिखाई देती। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव के जितने भी खास नेता हैं उन सब के ठिकानों पे लगातार छापेमारी पड़ रही है, 27 जगहों पे सीबीआई जो है वो एक्टिव नजर आ रही है, जहां पे जो कहा जा रहा था तेजस्वी यादव अपना मॉल बनवा रहे हैं उस पे भी छापेमारी लगातार चालू है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है वो कहीं ना कहीं एक तरफा देखने को मिल रहा है, जहां पहले पैसे देने की बात कह रही है पार्टी आम आदमी पार्टी की, अगर मैं बात करूं कि उनके विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी लगातार ऑफर दे रही है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए बिहार में किस तरीके से सीबीआई जांच कर रही है, अभी नई पार्टी बने हुए एक महीना भी नहीं हुआ शायद, और एक महीने के अंदर ही सीबीआई एक्टिव हो गई, इससे पहले 2 साल की जो सरकार थी उसमें सीबीआई ने कोई भी जांच नहीं की थी। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक बार दिल्ली में आप अगर नजर डालेंगे तो विधायकों को खरीदा जा रहा है और उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है कि अगर नहीं आए तो हम आपके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच बैठा देंगे, दूसरी तरफ आपने देखा बिहार में किस तरीके से अब जो नई सरकार बनी उसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से देखते हैं ईडी और सीबीआई के गलत इस्तेमाल को, जब सरकारी संस्था दूसरे पार्टी को गिराने में लग जाए, जब वो सच में काम ना कर रही हो और विधायकों के ऊपर जांच बैठ रही हो। मैं मानता हूं कि जांच बैठनी चाहिए, लेकिन अगर बैठ रही तो सबके ऊपर बैठनी चाहिए, ये नहीं कि जो पार्टी में है, जो सत्ता में है, जो पावर में है उसके ऊपर नहीं बैठेगी और जो दूसरी पार्टी है जो राज्यों में खाली सीमित है उनके ऊपर लगातार जांच बैठा ली जाएगी। आप सोचिए अगर दिल्ली में इस तरीके का काम हो रहा है तो बाकी राज्यों की सरकारों के ऊपर किस तरीके से काम हो रहा होगा। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं, आपकी राय इस खबर पे क्या है, अपना कमेंट जरूर दें, और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।